गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 14 में दूसरा भाग देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। कौन सा भाग देखेंगे डियर स्टूडेंट? आज हम देखेंगे दूसरा भाग, पार्ट टू। क्या देखेंगे? पार्ट टू। टॉपिक क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। क्या डियर स्टूडेंट टॉपिक? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। चलिए हम बात करते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत होते कौन कौन से हैं? तो देखिए स्टूडेंट, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में यानी जो हम अपने प्राचीन काल से उपयोग करते आ रहे हैं ऊर्जा के स्रोत, जैसे लकड़ी है, उपली है, ये सभी चीज़ें ऊर्जा के क्या है? प्राचीन स्रोत। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने अगले इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या लिखा है कि प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक और सामान्य स्रोत लकड़ी था। क्या था? लकड़ी था। कुछ सीमित क्रियाकलापों के लिए पवन और बहते हुए ऊर्जा का उपयोग करते हैं। प्राचीन काल में पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का भी उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। क्या आप इनमें से कुछ उपयोग बता सकते हैं? ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले का उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। यानी कोयले का उपयोग धीरे धीरे औद्योगिक स्वरूप में लगभग 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, और इसी समय इंग्लैंड में क्या चालू हुआ? औद्योगिक क्रांति। आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या है। इसी समय क्या चालू हुआ यूरोप में? तो इसी समय यूरोप में चालू हुआ औद्योगिक क्रांति। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसके पहले क्या था? लोग लकड़ी का उपयोग करते थे, उपली का उपयोग करते थे, लकड़ी, उपली, इन सभी चीज़ों का लोग क्या करते थे? प्रयोग करते। इसके बाद बढ़ते हुए उद्योगों ने समस्त विश्व में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कर दी। यदि सबका जीवन क्या हो गया? उच्च स्तर का हो गया। तो इसके कारण समस्त विश्व ऊर्जा की मांग बढ़ गई। यदि जाहिर सी बात है, जीवन स्तर जब ऊंचा उठेगा तो समस्त विश्व में ऊर्जा की मांग क्या होगी? लगातार क्या होगी? बढ़ेगी। ऊर्जा की बढ़ती मांग को अधिकांश पूर्ति जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोल द्वारा की जाती है। यानी जो ऊर्जा की मांग बढ़ी है उसकी पूर्ति किसके द्वारा की जा रही है? कोयला और पेट्रोल के द्वारा। और इससे क्या होता है? कोयला और पेट्रोल से क्या होता है स्टूडेंट? कोयला और पेट्रोल से प्रदूषण होता है, आपको पता है ना? जब मांग बढ़ी थी किसका उपयोग हुआ? कोयला और पेट्रोल का उपयोग हुआ। लेकिन इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? प्रदूषण होता है। मांग में वृद्धि के साथ साथ इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने की प्रौद्योगिकी में भी विकास हुआ। यानी ऊर्जा का उपयोग तो बढ़ा, साथ साथ टेक्नोलॉजी, कैसे ऊर्जा का उपयोग करें उस प्रकार की टेक्नोलॉजी भी आई। क्या आई? टेक्नोलॉजी भी आई। परंतु ये ईंधन करोड़ों वर्षों में बने हैं तथा अब भी केवल इनके सीमित भंडार शेष है। यानी कि ये जो कोयला बना है, पेट्रोलियम बना है, ये आज का नहीं बना है, ये लाखों करोड़ों वर्ष लगा है इसको बनने में। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर कोयला और पेट्रोल को हम इसी तरह से उपयोग करते रहेंगे तो निकट भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे, और ख़त्म हो जाएंगे क्या होगा? ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोतों की ज़रूरत है जो कभी ख़त्म ना हो। ऊर्जा के अखूट भंडारों की हमें क्या है? आवश्यकता। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवनीकरण स्रोत हैं। अनवनीकरण स्रोत का मतलब है कि इनका पुनरुत्पादन नहीं किया जा सकता। यानी हो सकता है लेकिन इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। एक बार ये ख़त्म हो गए तो इनके निर्माण में काफ़ी समय लगता है। अतः इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। यदि हम
इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इसी चिंताजनक दर से करते रहेंगे तो हमारे भंडार क्या हो जाएंगे, शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। यानी जिस प्रकार से हम लगातार उपयोग कर रहे हैं कोयले का, पेट्रोल का, तो ऐसा क्या, ऐसे में क्या होगा, निकट भविष्य में ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, हमारे भंडार शीघ्र, ऐसी स्थिति को टालने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की गई है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का मतलब है कि कोयला पेट्रोल के अलावा हम किस ऊर्जा का उपयोग कर सकें, उस ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत कहते हैं। परंतु आज भी हम अपनी ऊर्जा की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं। यानी आज भी हम कोयला और पेट्रोल पर निर्भरता हमारी क्या है स्टूडेंट, आज भी हमारी निर्भरता कोयला और पेट्रोलियम पर ज़्यादा है। तो जीवाश्म ईंधन को जलाने से अन्य हानियाँ भी हैं। हमने कक्षा 9 में कोयला पेट्रोलियम उत्पाद को जलाने के प्रदूषण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ लिया है। कार्बन, जीवाश्म ईंधन को जलाने पर क्या होता है, जीवाश्म ईंधन जलाने पर कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है। ध्यान दीजिए, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर जितने भी अधातु हैं सब अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अम्लीय ऑक्साइड। और धातु क्या बनाएंगे, धातु हमेशा क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं और अधातु क्या बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। और जाहिर सी बात है ये ऑक्साइड हवा में रहेंगे और बारिश होगी तो बारिश के पानी में घुल जाएंगे, तो पानी में एसिड मिल गया तो क्या हो जाएगा, इससे अम्ल वर्षा शुरू हो जाएगी। हमारे जल और मृदा संसाधनों को प्रभावित, यानी जब बारिश होगी तो वो नदी में जाएगा बारिश का पानी, ज़मीन के अंदर रिस के जाएगा, इससे क्या होगा, पानी की एसिडिकता बढ़ जाएगी। और पानी की एसिडिकता बढ़ने से जलीय जीव हैं, जो ज़मीन के अंदर ह्यूमस है, वो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि इससे क्या होगा, जीवों का भी नुकसान होगा और ढेर सारे जो जीव हैं उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। साथ साथ क्या होगा, मिट्टी की उर्वरता घटेगी। क्या होगा, मिट्टी की उर्वरता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इतना आपको समझ में आया कि चलिए अब देखिए होता क्या है कि इससे क्या होता है, एसिड वर्षा होती है जो हमारे जल मृदा को प्रभावित करती है। अब ध्यान दीजिए, वायु प्रदूषण की समस्या के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस को याद कीजिए। आपने ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ा था इसके पहले। चलो स्टूडेंट आगे हम देखते हैं, इस पर विचार कीजिए, यदि हम विद्युत ऊर्जा ना मिले तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन, जाहिर सी बात है कि घरों में क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा, आप टीवी नहीं देख सकते हैं, आप मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते हैं। आप कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में जाइए, वहाँ क्या होता है, निरंतर बिजली कटती रहती है, वहाँ पर मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था वगैरह नहीं रहती। क्यों, क्योंकि अधिकतर बिजली कट रहती है। जाहिर सी बात है बिजली कट होगी तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं, जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के कुछ सीमाओं तक दहन प्रक्रम में दक्षता करके वृद्धि की जा सकती है। जाहिर सी बात है नई नई टेक्नोलॉजी खोजेंगे तो क्या होगा, हम कितना भी जीवाश्म, जैसे कि बढ़िया बढ़िया अभी नए नए वाहन आ रहे हैं, वो ज़्यादा कम पेट्रोल लेके ज़्यादा दूर तक जाते हैं। कुछ वाहन है जो ज़्यादा पेट्रोल खाते हैं और कम दूरी तय करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में सुधार करके कम पेट्रोल का उपयोग करके ज़्यादा दूरी तय करने वाले वाहन विकसित किए गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी में वृद्धि करके हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को कम कर सकते हैं। आप जानते हैं आप वाहनों PUC करवाते हैं, आपको नहीं पता होगा, आपके पिताजी या भाई जो भी गाड़ी चलाते हैं उनसे आप पूछिए PUC क्यों कराया जाता है। PUC इसलिए कराया जाता है ताकि जो आपके इंजन के कार्बोरेटर जो धुआं निकलता है उसकी मात्रा कम हो। यानी PUC का पूरा नाम क्या है, आप पढ़े हैं, PUC का पूरा नाम है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। इससे क्या होता है, वाहनों में से प्रदूषण कम होता है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। इसी के साथ दहन के फलस्वरूप निकलने वाले हानिकारक गैसों, राखों के वातावरण पलायन को कम करने की विभिन्न तकनीक आ गई है। यानी जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो हानिकारक गैस है वायुमंडल में मिल जाते हैं, तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी को खोज किया गया है कि इसको वायुमंडल में जाने से थोड़ा बहुत रोका जा सके। क्या आप यह जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन गैस तथा वाहनों प्रत्यक्ष रूप से उपयोग
होने के अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग होता है। जी हाँ, देखिए आप पेट्रोल का उपयोग वाहन चलाने करते हैं, कोयले का उपयोग जलाकर भोजन पकाने के लिए करते हैं। तो देखिए कोयले का उपयोग क्या होता है, विद्युत प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। कहाँ पर? तो ताप विद्युत केंद्रों में, ताप विद्युत केंद्रों में। ताप विद्युत केंद्र में क्या होता है स्टूडेंट? तो ताप विद्युत केंद्रों में कोयले का उपयोग करके हम विद्युत को प्राप्त कर सकते हैं। किसका उपयोग करके? तो कोयले का उपयोग करके हम ताप विद्युत केंद्रों में विद्युत क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए इसके अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न करने के ईंधन के प्रमुख उपयोग होता है। आइए अब हम छोटा संयंत्र बनाकर उससे विद्युत उत्पन्न करें, या देखें कि ऊर्जा के सरल उपयोग में कैसे क्या क्या होता है। चलिए हम एक यंत्र बनाते हैं और उससे विद्युत उत्पन्न करते हैं। चलिए करना क्या है आपको, बोल रहा है एक टेबल टेनिस की बॉल ले लीजिए, एक बॉल ले लीजिए, उसमें तीन झीरियाँ बनाइए, धातु की चादर अर्धवृत्ताकार काटिए, इन्हें बाल के झिर्रियों में लगाइए, धातु का सीधा एक वायर लेकर गुजारिए। तो आपको करना क्या है कि आपको जो चित्र में ऐसा दर्शाया गया स्टूडेंट, ऐसा आपको बनाना है। देखिए एक धातु का बॉल लिया गया, देखिए एक धातु का बॉल लिया गया है, एक प्रेशर कुकर लिया गया है, इसको प्रेशर कुकर के यहाँ से गर्म करेंगे, यहाँ से भाप निकलेगी, और जब भाप निकलेगी तो इस पंखे पे जाएगी, पंखा क्या होगा घूमेगा, और यहाँ पे डायनेमो लगा है। डायनेमो क्या काम होता है? गतिज ऊर्जा का। डायनेमो का काम है कि गतिज ऊर्जा का, डायनेमो काम है गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना। क्या काम है? गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना है डायनेमो का काम। तो चलिए हम एक बार इस चित्र को एक बार और समझते हैं। देखिए कह कह रहा है कि आपके क्रियाकलाप में कह रहा था कि आप क्या कीजिए, एक बॉल ले लीजिए, आपने एक बॉल लिया, अब कह रहा है तीन पंखुड़ियाँ उसमें लगा दीजिए, पंखा बना दीजिए बॉल का। आपने पंखा बना दिया, अब प्रेशर कुकर में पानी वगैरह कुछ भी रखते प्रेशर कुकर का गर्म कीजिए। जब आप प्रेशर कुकर गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वाष्प निकलेगी। वाष्प जब तेजी से निकलेगी इस पंखे क्या करेगी, घुमाएगी, ऐसा 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 करके घुमाएगी। जब इसे घुमाएगी तो इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। मैंने आपको बताया क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गतिज ऊर्जा आ जाएगी। अब जैसे ही गतिज ऊर्जा आएगी डायनेमो क्या करेगा, इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा और आपका बल्ब क्या हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, भाप की ऊर्जा का उपयोग करके डायनेमो की सहायता से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से होता है क्या स्टूडेंट, जब पानी झरना, मान लीजिए ये पर्वत है, क्या है, पर्वत है, और ये क्या है, जमीन है, ठीक है, यहाँ से कोई झरना गिर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, मान लीजिए कोई क्या हो रहा है, झरना गिर रहा है, ऐसे 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 कोई झरना क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। अब यहीं पे घूमने वाला चक्री लगा दिया टरबाइन, अब झरने का जो पानी आएगा टरबाइन क्या होगा, घूमेगा, और यहीं डायनेमो लगा है, और इस प्रकार से क्या करते हैं, हम विद्युत ऊर्जा क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको इतना क्या होगा, समझ में आया होगा। चले स्टूडेंट अब हम आगे देखते हैं, बात करते हैं ताप विद्युत संयंत्र की। ताप विद्युत संयंत्र क्या होता है? देखिए विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में कोयला जलाकर पानी उबाला जाता है। क्या कहता है, कोयले को जला के पानी उबालते हैं, जो क्या होता है, जैसे आपने देखा टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन घुमाता है तो सामान दूरियों तक कोयला पेट्रोलियम परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण का दक्षता अधिक है। यानी विद्युत का बहुत दूर दूर तक खंभे के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो यही कारण है कि बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र क्षेत्र कहाँ लगाए जाते हैं, तो जहाँ कोयला ज़्यादा प्राप्त होता है वहीं पर लगाया। क्यों? क्योंकि कोयले को अगर मान लो एक प्लांट गुजरात में लगाया है, सॉरी स्टूडेंट, मान लीजिए कोयले का भंडार गुजरात में है और आपने संयंत्र लगा दिया कश्मीर में, तो कोयला ले जाने में क्या होगा, बहुत खर्चा हो जाएगा। इसलिए जहाँ कोयला प्राप्त होता है वहीं पर विद्युत संयंत्र क्या होते हैं, लगा दिए जाते हैं, ताकि आसानी से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरी चीज, खंभों को आप बहुत दूर दूर तक गाड़ के ले जा सकते हैं, ठीक है, और इससे क्या होगा, आप विद्युत ऊर्जा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट इतना आपको समझ में आया होगा।
स्टूडेंट्स, अब हम जल विद्युत के बारे में कल पढ़ेंगे। वाटर एनर्जी के बारे में कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। वाटर एनर्जी या जल विद्युत के बारे में कल पढ़ेंगे। तो जल विद्युत के बारे में हमें पढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस ऊर्जा का जल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ध्यान दीजिए कि जैसे पानी क्या होता है, किसी ऊपरी क्षेत्र में झरने के रूप में इकट्ठा होता है। यानी पानी जब क्या इकट्ठा है, बांध बना के पानी क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो जब पानी स्थिर है तो वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। कहने का मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है स्थित ऊर्जा। तो जैसे ही पानी को ऊपर से बांध में से छोड़ा जाता है, टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है, तो क्या होता है, वो फिर गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। उसके बाद जब टरबाइन के ऊपर पड़ता है, उसमें जो डायनेमो जोड़ा रहता है, तो उस गतिज ऊर्जा क्या कर देता है, वो गतिज ऊर्जा क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इतना सिद्धांत आप आज इतना सीख लीजिए, बाकी का हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।